भारत के ज्यादातर इलाकों में मॉनसून दस्तक दे चुका है। हाँ, हम जैसे दिल्ली वाले हैं जो कि अभी भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार के साथ साथ कुछ इंतजाम भी जरूरी हैं। जी हाँ, आपकी गाड़ी इस बारिश के मौके में कहीं बंद ना हो जाए, इसके लिए कुछ जरूरी छोटे लेकिन जरूरी सेफ्टी टिप से एक नजर डाल लीजिए। पूरे देश में मानसून दस्तक देने जा रहा है। जाहिर है आपको गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बारिश के इस मौसम में आपको अपने साथ साथ अपनी कार का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप रख सकते हैं अपनी कार का पूरा ख्याल। बारिश के मौसम में ड्राइव पर निकलने से पहले आपको सबसे पहले गाड़ी के टायर्स को चेक करना बेहद जरूरी है। अगर टायर्स घिस चुके हों तो तुरंत बदलवा लें। बारिश के चलते मॉनसून में पुराने टायर्स रोड पर पूरी तरीके से पकड़ नहीं बना पाते, जिसके चलते कार को कभी भी ओवर स्पीड न करें। वैसे तो ब्रेक हमेशा ही ठीक रहने चाहिए, लेकिन इन दिनों यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ब्रेक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। बारिश और मॉइस्चर के चलते अक्सर गाड़ी के ब्रेक में प्रॉब्लम आ जाती है। मॉनसून के मौसम में कार के वाइपर में लगी रबर को जरूर चेक करें और वाइपर को भी चला कर देखें। अगर वाइपर का रबर घिस चुका है या सख्त हो गया है तो वाइपर के रबर को बदल दें, लेकिन ध्यान रखें नए और अच्छी क्वालिटी के रबर ही लगाएं। भीगी हुई सड़कों पर ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। दिन के समय में भी आपको लाइट्स जलाने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में अपनी कार के हेडलाइट को दुरुस्त रखें। साथ ही हेडलाइट्स के अलावा टेल लाइट्स, पार्किंग लाइट्स और फॉग लैंप भी चेक करा लें। मौसम का मजा लेते लेते इस सीजन में अक्सर ऐसा होता है कि कार में लोग भीगे कपड़ों और जूते चप्पलों के साथ बैठ जाते हैं। नतीजा कार के सीट कवर गीले हो जाते हैं और जल्दी उनमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए आप सीट कवर पर टॉवेल और मैट वगैरह बिछा सकते हैं। इस तरह फुट मैट को गीला और गंदा होने से बचाने के लिए उस पर कोई पुरानी चादर मैट का यूज कर सकते हैं। तो ये थे छोटे लेकिन किफायती टिप्स जिनका ख्याल रख आप भी इस मॉनसून के सीजन में ले सकते हैं ड्राइव का असली मजा। खबरों के मामले में ये हफ्ता काफी गर्म था। जी हाँ, चाहे वो ब्रेक्सिट हो या फिर लायनल मेसी का एग्जिट, ऑटोमोबाइल जगत में भी कई सारी ऐसी खबरें थी जो बनी सुर्खियां। एक नजर उन पर। जर्मन लग्जरी स्पोर्ट्स कार मेकर पोर्शे ने 911 मॉडल्स के नए वर्जन को भारत में लॉन्च किया। इन नए मॉडल्स की कीमत 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच है। ये नए 8th जनरेशन 911 मॉडल पहले से 12% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं। पूरी तरह से नए टर्बोचार्ज यूनिट के साथ 911 कूपे और कैब्रियोले में मौजूद है। पोर्शे भारत में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के इरादे से जल्द ही 2 नए शोरूम चेन्नई और हैदराबाद में खुलेगी। यामाहा ने YXF R3 के 902 यूनिट्स को रिकॉल किया। क्लच प्रेशर प्लेट और ऑयल पंप्स ऐसी में खराबी के चलते ये रिकॉल किया गया है। यामाहा के ऑथराइज्ड डीलरशिप पर फ्री ऑफ कॉस्ट इन गाड़ियों को ठीक किया जाएगा। 3.5 लाख की एक शोरूम कीमत रखने वाली इस गाड़ी को भारत में इंडोनेशिया से इम्पोर्ट किया जाता है। टोयोटा के ग्लोबल रिकॉल के चलते भारत में भी हाइब्रिड प्रायस के 170 यूनिट्स को रिकॉल किया जा रहा है। 2009 से 2012 के बीच बनी प्रायस को रिकॉल किया गया है। ये रिकॉल एयरबैग इन्फ्रैक्टर में गड़बड़ी के चलते किए जा रहे हैं। इस रिकॉल के चलते ग्लोबली टोयोटा अब तक 2.5 मिलियन गाड़ियों को रिकॉल कर चुका है। तो दोस्तों, आज के जिग्निशन के इस पावर पैक एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो हमसे जुड़ने के जो तरीके हैं वो बेहद आसान है। और प्लीज़, हम चाहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि हम समझ सकें कहाँ गलतियाँ और कहाँ हम उनको सुधार सकते हैं। तो ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए यानी कि मेल्स के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अब हमारे वीडियोज़ को हमारे चैनल जिग्निशन पर यूट्यूब पर आप देख भी सकते हैं। तो आज के लिए आपका ये होस्ट सैम आपसे इजाज़त लेता है। जाते जाते वही पुरानी गुजारिश एक बार फिर दोहराऊंगा। रोड पर
गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें, यानी कि ड्राइव सेफ, सड़क नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाकर बाइक चलाएं और बेल्ट पहनकर गाड़ी दौड़ाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।